हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक कप चाय के साथ आ गई मैं, और देखो पिंपल के साथ मेरा फेस भी हुआ फुला फुला। क्या ही कर सकते हैं। तो चलो आज मैं दो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो है ब्रेकफास्ट और डिनर। तो पहले हम ब्रेकफास्ट के प्रिपरेशन कर लेंगे। तो क्या किया हमने, तो एक पैन में थोड़ा तेल ले लेंगे और उसमें हम मस्टर्ड सीड्स ऐड कर देंगे, और साइड में हमने फूल गोभी, आलू, टमाटो एंड ग्रीन चिलीज़ को कट के रेडी कर रखे हैं। तो थोड़ा तेल गर्म होने के बाद उसमें हम कटे हुए आलूज़ को ऐड कर देंगे। तो देन उस हम एक एक करके फुल गोभी ऐड कर देंगे, और उसमें थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर दे के अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाने के बाद उसमें हम टोमेटोज को भी ऐड कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द सूजी। अच्छे से मिला के उसको थोड़ा धीमी आंच में हल्का सा सॉटे करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा नमक और चीनी ऐड कर देना पड़ेगा ताकि टेस्ट बैलेंस में आ सके। अभी मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड कर दूँगी। मैं तेल में ग्रीन चिलीज़ को नहीं ऐड करी, क्योंकि तेल में ग्रीन चिलीज़ ऐड करने से उसका जो स्पाइसी लेवल होता है वो कम हो जाता है, और मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। दैट्स वाई मैं अभी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से पकाएंगे ताकि जो पानी है वो खुद एब्जॉर्ब करके ड्राई हो जाए। Now it's time for taste. So, सच बताओ कि बहुत ही अच्छा और हेल्दी डिश है। आप ट्राई कर सकते हो, जो भी डाइट कर रहे हो आप उसमें भी डाइट को ऐड सकते हो, मतलब आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ खुद बना के। अब थोड़ा मैंने काम किया और सावर लेके चली गई छत पे धूप लेने, मतलब बाल सुखाने, और काफ़ी ज़्यादा नखरे करती हुई मैं। नखरे तो चलते रहेंगे कि, लेकिन विंटर में स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नहाने के बाद मैं थोड़ा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ मेरी स्किन में, और आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि मैंने इस प्रोडक्ट के रिव्यू पहले ही दे दिया है, और मैं खुद इसको यूज कर रही हूँ डेली। ठीक है,
नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। सो यहाँ पे हमारा डिलीशियस डिलीशियस लंच आ गया है, वो है पालंग की सब्ज़ी और गोभी का सब्ज़ी। सो इसको हम खाएंगे और दिल खुश कर लेंगे। लंच वंच आराम से करने के बाद मैं थोड़ा सूप पे बन गई थी, जिसका मेकअप वीडियो जल्दी आने वाला है। और हाँ, एक रील शेयर ऑलरेडी हो चुका है, वही मेकअप पसंद कर रही थी। उसके बाद थोड़ा मतलब शाम हो गया था, मैंने थोड़ा चाय पिया क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब लग रहा, गले का प्रॉब्लम हो रहा था। इट्स टाइम फॉर डिनर और यहाँ पे हम बना रहे हैं चाउमीन, वो भी इंडियन होममेड स्टाइल में, जिसका रेसिपी मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। तो क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा आलू को कट कर लिया है और उसको हम तेल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हर एक सब्जी को हम फ्राई कर लेंगे पहले। सो यहाँ पे हम नमक और हल्दी के साथ आलू को फ्राई कर लेंगे थोड़ा। करके हम कैरेट्स, ऑनियन, कैबेज, ग्रीन चिली, एग्स सबको हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम चाउमीन को ऐड कर देंगे, सब सब्जी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। और ये चाउमीन हम पहले ही भिगो के रखे थे गर्म पानी, थोड़ा नमक और थोड़े ऑयल के साथ। इसे मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैगी मसाले के बिना कोई भी नूडल्स, कोई भी चाउमीन हो या फिर मैगी हो, कुछ भी हो, टेस्ट नहीं आता है। और डिनर इज रेडी और काफ़ी अच्छा बना था। सो गाइस, अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड लक।